मिल जाएगी, वो भी सही सलामत। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरे पास आना होगा अविनाश, बोरिवली नेशनल पार्क। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। माली, माली! मेघा कहाँ है? अविनाश, मेघा कहाँ है? मेघा, मालिनी के कब्जे में यार, मुझे उसे अकेले लेने जाना होगा। मालिनी चलेंगे साथ? नहीं नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। अगर कोई मेरे साथ गया तो मेरी बच्चे की जान खतरे में। नहीं रणवीर, तुम्हें अपने साथ जाके मैं अपनी बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अच्छा ये बता दीजिए कहाँ पर बुलाया? बोरिवली नेशनल पार्क। तुम चिंता मत करो, मैं हमारी बच्ची को लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मुझे कुछ और पता चलता मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची सही सलामत वापस आएगी। मत करो, मुझे भी जाने दो। क्या हो बेटा? तुम्हें अविनाश कहाँ है? बाबू जी वो मालिक जी से मिलने गए। क्या? बाबू जी मालिक जी मेघा को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, और अविनाश को मिलने के लिए बुलाया, धमकी दी, अगर वो नहीं है तो पता नहीं क्या करती। तो बेटा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली। हम इंस्पेक्टर गिरीश को फोन लगा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। रिमझिम, मालिनी ने अविनाश को कहाँ बुलाया है? बोरिवली नेशनल पार्क। उन्होंने कहा है वो और कहीं गया तो मैं फोन करेगी। तो चलो बेटा चलो, हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं बाबूजी, आप मत चलिए, आप यहीं रुकिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं भाभीया, हम अगर सब गए तो मालिनी कुछ भी कर सकती है। हम जाते हैं ना पुलिस को लेकर वहाँ पर। भाभी अब हमारा मोबाइल नहीं, हम गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान रखना आपका। चलती नहीं, आप यहाँ माजी और बाबूजी के साथ रुकिए। भाभी हम आपको फोन करेंगे ना। प्रेमचंद, मालिनी की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर रुकिए, हम आपको फोन करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम प्रेम को साथ में लेके जाओ, वो मालिनी को टैकल कर लेगा। अच्छा आप प्रेम को फोन करके बता दीजिए कि हमें बोरिवली नेशनल पार्क में मिले, हम चलते हैं।